हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो टीए की बम्पर भर्ती आई हुई, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से इस भर्ती में आप जा सकते हैं। इस भर्ती में जो आपकी हाइट रहेगी, अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं, और अगर आप 10वीं पास हैं, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। और इस भर्ती में जो आपकी एज रहेगी 18 ईयर से लेकर 42 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। और फ्रेंड, जो ये वैकेंसी है पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती आई हुई, यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में जा सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और फ्रेंड, जो क्वेश्चन होगा ये आपकी स्क्रीन पर, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको राइट आंसर लगा हो नीचे यार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार इस क्वेश्चन का जरूर बता कर जाना। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उसका रिक्रूटमेंट और उसका नेम है वो टेरिटोरियल आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और फ्रेंड्स, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि अगर आपने तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो यहाँ पर जो टीए की भर्ती होती है जोन वाइज यहाँ पर आपको वैकेंसीज में दी जाती है। तो आपको यहाँ पर चारों जोन में वैकेंसी आई हुई, यानी कि जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ में आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से जोन में आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर टाइप करके जाना भाई प्लीज़। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी पोस्ट नेम रहेगी, टोटल आपको यहाँ पर चार प्रकार की वैकेंसी दी गई। टोटल जो यहाँ पर आपको वैकेंसी दी जाएगी वो जो सोल्जर, जेडी, क्लर्क, हाउसकीपर और मेस कीपर के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 15,500 से लेकर 69,400 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती में जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती में एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 42 ईयर के बीच में तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं, और इस भर्ती में आपको कोई एज में छूट भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो जनरल ओबीसी को 3 ईयर और 5 ईयर की छूट मिलती है वो यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें वो सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी को कोई फीस देने की इसमें आवश्यकता नहीं, और जितने भी ओपन डेली भर्ती होती है इनमें आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। और फ्रेंड्स, अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखें फ्रेंड्स, अगर हम इस भर्ती के फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यानी कि जो आपको फिजिकल होगा वो यहाँ पर जो आपकी हाइट होना अनिवार्य, सभी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होना अनिवार्य, यानी कि अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। इस भर्ती में जो आपका वेट रहेगा 50 किलोग्राम होना अनिवार्य कम से कम, जो आपकी चेस्ट रहेगी 78+5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, इस भर्ती में जो आपकी रनिंग रहेगी वो यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी, और जो आपको यहाँ पर ग्रुप अनुसार आपको यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, यानी कि अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम का समय लेते हैं तो आपको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा, अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आते तो सेकेंड ग्रुप में रखा जाएगा। जो आपके सिटअप्स रहेंगे वो 10 रहेंगे, पुशअप्स भी आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। अब देखें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपकी रनिंग रहेगी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटेन एग्जाम रहेगा। टोटल आपकी 3 स्टेज रहेगी, प्लस आपके यहाँ पर फाइनल मेरिट भी आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी लास्ट में। अगर फ्रेंड्स हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल और केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है, वो अपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। वैसे सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, अधिक जानकारी के लिए मैं को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। और जो आपने 10वीं की हुई है इसमें कोई परसेंटेज का इशू भी नहीं होगा, यानी कि आपकी सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कुछ भी है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। जो आपकी ओपन डेली भर्ती की डेट आई हुई है 10 फरवरी को ओपन डेली भर्ती होनी है, अब वो आपको यहाँ पर कहाँ पर होनी है, सांबा जम्मू कश्मीर में होगी। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेकिन उससे पहले जो ये भर्ती होगी उसमें वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे 10वीं की मार्कशीट हुई, डोमिसाइल हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, जो स्कूल की तरफ से आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी लेके जाना होगा, अनमेरिट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपको फिर एफिडेविट लेकर जाना, और आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर अपना लेकर जाना होगा।
अब देखें फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सेकंड लिंक है, अगर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप देखें फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ पर रैली हो रही है टीए की, वो यहाँ पर 4 नवंबर को थी, फिर यहाँ पर एक 20 नवंबर को थी, और जो आप नेक्स्ट रैली होनी है यानी जो पांचवी रैली होनी है वो यहाँ पर 10 फरवरी 2020 को रहेगी सांबा जम्मू कश्मीर में। अगर आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, आप यहाँ से आकर इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका अब भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।